गाजियाबाद में डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। शिक्षक संघ ने डिजिटल हाजिरी के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 15 जुलाई को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। शिक्षकों ने सरकार को शिक्षक विरोधी करार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी के फरमान ने शिक्षकों को एक बार एकजुट कर आंदोलन की राह पर खड़ा कर दिया है। जहां शिक्षक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, वहीं डिजिटल हाजिरी का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं कि शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में लगातार जो हाजिरी का आंकड़ा है, जिसके लिए 8 तारीख नियत की गई थी कि 8 तारीख से शिक्षक डिजिटल हाजिरी लगाएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, ऐसे में वो आंकड़ा बेहद कम आ रहा है। गाजियाबाद शिक्षक संघ से जुड़े हुए दीपक शर्मा इस समय हमारे साथ में, उनसे सीधा पूछते हैं क्या कुछ विरोध है और क्यों शिक्षक इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सर आप बताएं क्या कुछ कारण आप समझ पा रहे हैं और कितने लोगों ने, सबसे पहले पूछा जाऊंगा, कितने लोगों ने आज डिजिटल रूप से गाजियाबाद में हाजिरी लगाई है? मुश्किल से 10 या 20 लोगों ने मुश्किल लगाई होगी, मुझे नहीं लगता उन्होंने भी लगाई है। बहुत कम हाजिरी हम लोगों की लग रही है और सारा अध्यापक एकजुट है, एक साथ है। वो कभी भी अध्यापक कोई भी इस नियम को फॉलो से विरोध जता रहा है, असहमति जता रहा है, क्योंकि हम लोगों पर इतना प्रेशर सरकार बना रही है, बातचीत बैठ करके कर नहीं रही है। किसी भी मुद्दे को वो सुनने को तैयार नहीं है, हमारी समस्या देखने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल शिक्षक ऐसा है जो हर 2 किलोमीटर के दायरे में हर गांव तक जाता है और उसको वहां की क्या भौगोलिक समस्याएं हैं, क्या सामाजिक समस्याएं हैं, उनको न सरकार सुन रही है न सहम कर रही है। फिर अविश्वास के तर्ज पे उन पे एक कार्रवाई कर रही है कि आपको डिजिटल हाजिरी उस समय से देनी है। हम हाजिरी को 8 बजे का समय दिया गया था पहले हाजिरी लगाने के लिए, 7:45 से 8 जी जी जिसमें आप हाजिरी लगा सकते थे, उसको बढ़ाकर आधा घंटा और बढ़ा दिया गया, 8:30 तक आप दर्ज कर सकते हैं। अब समय सीमा बढ़ा दी गई है तो अब किस चीज का विरोध है? देखिए पहली बात तो विरोध ये भी है कि सरकार ने हमको टैबलेट दिए, सिम दिए, उन टैबलेट और सिम से हाजिरी नहीं लग पा रही है, ना वो काम कर रहे हैं कहीं भी। दूसरी चीज ये है कि सरकार से हम तो 30 EL की मांग कर रहे हैं, सेकंड सैटरडे के अवकाश की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसे नियम बन जाएं जिनसे अगर हम लोग लेट हो जाते हैं तो हमें हाफ CL काट ली जाए, लेकिन सरकार उस पर बैठ करके हम लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर हम सरकार बैठ के बातचीत करें तो रास्ता इससे निकल सकता है और नहीं होगी तो ये संघर्ष हम लोग कर ही रहे हैं। क्या कुछ कारण आपको समझ में आ रहे हैं? तमाम जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं वो इस डिजिटल हाजिरी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप ईस्ट में जाएंगे, आप बुंदेलखंड में जाएंगे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां नदी पार करके स्कूल जाना होता है अध्यापक को, नाव में बैठ करके अपनी बाइक लेकर के जाना होता है, कीचड़ भरे रास्ते, कई कई किलोमीटर तक कच्चे रास्ते, जंगलों के रास्ते होते हैं। अगर अध्यापक एक लेट हो जाता है, बहुत किसी भी कारण से लेट हो रहा है तो उसको तुरंत उस दिन का वेतन काट दिया जा रहा है। तो इस कारण अध्यापक विरोध कर रहा है कि उसकी समस्या सुनी जाए, बैठा जाए, बैठ करके बातचीत की जाए, उसकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद ये सब चीज लगाई जाए। दूसरी चीज, अन्य जो कर्मचारी हैं, जो भी फील्ड के कर्मचारी हैं, उनको इसको सबसे दूर रखा जा रहा है। जो ऑफिस के भी हैं, जो बाबू हैं ऑफिस में, जो ऑफिस में डेली जा रहा है, उसको भी इससे दूर रखा जा रहा है, कहीं उसको लागू नहीं किया जा रहा। केवल और केवल शिक्षक को ही एक माहौल बना दिया जा रहा है कि शिक्षक जो है निकम्मा है और उसको हम टारगेट करने, उसको दबाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस चीज को लेके आ रहे हैं। और अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है 23 तारीख को, 23 जुलाई को जनपद के, प्रदेश के हर जनपद पर जो है धरना होगा। ऐसे अजीबोगरीब फरमान का तो विरोध करना तो बिल्कुल बनता है। हम लोगों पे बस ये समझ लीजिए कि प्रयोगशाला सा हमें बना दिया है बेसिक शिक्षा विभाग को। अगर इस तरह का अजीब सा फरमान उन्होंने दिया भी है, कम से कम इतनी पारदर्शिता तो उसमें रखें कि हमें ये पता हो कि अगर बाई चांस हम लेट हो जाते हैं तो क्या व्यवस्था है हमारे लिए, क्या सुविधाएं हैं, क्या ना हमें CL हाफ CL का ऑप्शन है, ना EL मिल रही है। विशेष परिस्थितियों में अगर हम लेट जाते हैं, कोई दुर्घटना रास्ते में हो जाती तो उसका क्या है, उन चीज़ों का कुछ भी हमें पता नहीं है। अगर हमारे विपरीत कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद कहाँ सुनवाई है, कौन सुनेगा, सैलरी कटती है तो हम किससे मिले, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये हम इसे बिल्कुल होने नहीं देंगे, जब तक ये हमारे शिक्षकों की मांग मानी नहीं जाएगी तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। जब तक हमारे प्रदेश नेतृत्व से बात सरकार नहीं करेगी तब तक हम इसका विरोध करेंगे, कोई भी हाजिरी नहीं देंगे। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।